पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा उतरने वाली कोई शक्ति नहीं, जो चर्च में आती उतरती आप तालियां बजाते और घर चले जाते। पवित्र आत्मा एक इंसान की तरह एक पर्सनैलिटी है जो आपके साथ रहती है हमेशा। आप जब चोरी करते हैं वो निराश होता है, आप जब व्यभिचार के लिए आंखें उठा के देखते हैं वो निराश होता है, आप जब गाली निकालते हैं वो निराश होता है। बाइबल कहती है जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो अपने मन को कठोर मत करो। कई बार पवित्र आत्मा को धीरे से बोलता है फुसफुसा के, बपतिस्मा ले ले बपतिस्मा, और वो धीरे से बोलता है प्रार्थना बढ़ा, सिगरेट छोड़ना है, गर्लफ्रेंड छोड़ दे, बॉयफ्रेंड छोड़ दे, फेसबुक पे नहीं जाना अगले 15 दिन, छोड़ दे इसको, पूरी प्रार्थना में वो धीरे से बात करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, झाड़ देते और खुद बंधन में चले जाते हैं, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी। पवित्र आत्मा क्यों हमसे कह रहे हैं, क्योंकि वो हमें डिलीवर करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, वो हमें बताना, वो हमें हमारी अगुवाई करना, वो बहुत उत्सुक है, वो बहुत उसके दिल में एक उत्सुकता है पवित्र आत्मा के। मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं आपके विषय में, आपके लिए उत्सुक दिल से पवित्र आत्मा चाहता है कि आप ऐसा करें और मैं आपको डिलीवर कर दूं, और पवित्र परमेश्वर आपको आजाद कर दे, उसका आत्मा आपको आपको डिलीवर स्वतंत्र कर दे हर एक चीज से, बंधन से, वो चाहता है। लेकिन पहला स्टेप हमारा होगा